तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्री गौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थ गोस्वामिने नमः। यतीन्द्रिय नमस्तुभ्यं गौरकृष्ण प्रियात्मने रूपानुगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता श्रीमद भागवत महापुराण अष्टम स्कंद तृतीय अध्याय श्री गजेन्द्र उवाच। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतत् चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं याइदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवं यास्वात्मनिदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्वच तत्तिरोहितं अविद्धृक्साक्षुभयं तदीक्षति सात्ममूलो अवतु मापरात्परा कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नुषु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तादासीद् गहनं गभीरं यस्तास्य पारे अभिविराजिते विराजते विभो नयस्य देवऋषयः पदं विदुर्जन्तु पुनः को अर्हति गन्तुमेरितं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु। यहां पर हम कल श्रवण कर रहे थे, गजेंद्र स्तुति करते हुए बतला रहे क्या बोल रहे हैं। जैसे एक रंगमंच पर, रंगमंच मतलब थिएटर, ऐसा वहां पर बैठा हुआ श्रोता जिस प्रकार से रंगमंच पर अनेक प्रकार की वेशभूषाओं के द्वारा सुसर्जित नृत्य आदि कलाओं का प्रदर्शन करने वाला एक कलाकार को नहीं समझ पाते हैं, ऐसे ही भगवान को भी। भगवान भी क्या है, ये जगत के अंदर जो है ये भी एक रंगमंच है जिसमें भगवान जो है विभिन्न लीलाएं विभिन्न अवतारों को ग्रहण करके अनेक प्रकार के विन्यासों को करते रहते। इसलिए यहां पर बोल रहे हैं ऐसे जो भगवान हैं उनको बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता कोई भी नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए यहां पर बोल रहे हैं
ना समझ सकते, और मान लो समझ भी लिया तो भी उसका अभिव्यक्त नहीं कर सकते, किसी में सामर्थ्य नहीं। ऐसा ऐसे जो भगवान है मेरा रक्षा कर, ऐसे यहां पर बता रहे। इस विषय में हमने कल श्रवण भी किया था। इसके तात्पर्य में श्री भक्तिवेदांत स्वामी गोसाई महाराज जी क्या कह रहे हैं, भगवान सर्वत्र विद्यमान है, सबके बाहर भीतर हृदय में सब जगह विद्यमान। बड़े बड़े योगी अपने ध्यान के अंदर बैठकर अपने अंतर आत्मा में उनका साक्षात्कार पाने के लिए प्रयास करते हैं ऐसा, लेकिन बहुत मुश्किल है ऐसा। क्या मुश्किल है? उनको देख पाना, उनकी गतिविधियों को समझ पाना, यह सब आसान नहीं है। आप देखो, भक्त भी क्यों ना हो, जब तक वो इच्छा नहीं करते तब तक वो भी नहीं समझ पाते। माधवेंद्रपुरी बाग यही गोविंद कुंड में आकर बैठे हुए, कुछ खा नहीं रहे, कुछ नहीं है, 3 दिन व्यतीत हो गया। क्या हुआ? स्वयं भगवान गोपाल रूप से आकर उनको दूध देके गए हैं, स्वयं देके गए, क्योंकि वो गोविंद स्वयं है। सहज वैरागी हृदय के अंदर भी एक आकर्षण उठ रहा है। माधवेंद्रपुरी पाद को किसी के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता, लेकिन वो भगवान है इसलिए आकर्षण हो रहा है। लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि ये भगवान है। जब वो स्वयं आके बताया कि मैं ही हूं, तब समझ में आया। जिसके सामने भगवान अपने रूप को छिपा ही नहीं सकते, उनके आगे भी वो स्वयं इच्छा करते हैं तो ही संभव है, अन्यथा वो भी संभव नहीं। तो कर्मी, ज्ञानी, योगी इत्यादि कैसे उनको समझ सकते हैं? श्रील स्वामी गोसाई महाराज बोलते हैं, इस जगत के सामान्य चिंतकों का है ना, साधारण सी सामान्य इस जगत के वो सजा नहीं है, एकाग्र होने का एक प्रक्रिया है। सजा नहीं, परम गुरु महाराज जी अपने शिखा को बांध के रखते थे ताकि हरिनाम करते हुए अगर नींद का झटका आया तो ऐसे ऐसे करके, वो सजा थोड़ा ना ऐसा। गंगा के तट पे आकर प्यासा नहीं रहना ऐसे, तो जो हो क्या बोल रहे हैं वहां पर, साधारण चिंतकों का क्या कहा जा सकता है? साधारण जो चिंतन करने वाले व्यक्ति है, वास्तविकता में उनका चिंतन का कोई अर्थ ही नहीं होता। जैसे ट्रेन में बैठ के टाइम काटना होता है, वो उस समय देश को भी चला देते हैं, हर सब कुछ कर लेते हैं उतनी देर में। प्रधानमंत्री ने ऐसे किया होता तो ठीक होता, ऐसा ऐसी आलोचना करने वाले जो लोग हैं उनके कोई निष्कर्ष नहीं निकलते हैं, और ना ही उनके निष्कर्ष का कोई मूल्य है, सिर्फ समय निकालने की बात है।
तो इसीलिए ऐसे लोग जितने भी हैं वो बोलते हैं। और उसके बाद जो तथाकथित जो दार्शनिक है वो लोग अलग अलग फिलोसफी सब पढ़े हुए होते हैं उनके, और वो उसी के आधार पे वो लोग एक निष्कर्ष पे पहुंचने का कोशिश करते हैं। क्या समझेंगे ऐसा? कई साल पहले रशिया का एक व्यक्ति था, सज्जन है, लंबा चौड़ा था, नाम था निकोलाई, निकोलाई नाम था। उनको हमारी संस्कृति बहुत पसंद आया तो इसीलिए भारत में आए, चैतन्य महाप्रभु की परंपरा से जुड़ा, नाम हुआ नील माधव दास, नील माधव नाम हुआ। फिर अध्ययन करने लगा, गौड़ीय साहित्य को खूब पढ़ा। एक विचार से कहें प्रभुपाद जी के समय में जो छपता था नदीय प्रकाश, उसको पुराने पुराने एडिशंस को उसको इकट्ठा करके, जो आज की टाइम में संभव ही नहीं, प्रभुपाद जी के टाइम में छपता था वो, नदीय प्रकाश डेली न्यूज़पेपर था ना, वो छपता था, वो सारे पेपर्स को इकट्ठा करके उनको स्कैनिंग करके एक एक को, और उनको पूरा डीवीडीज बना के पूरा सेट बना के रख दिया था। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका, क्योंकि अंग्रेज है तो जो वो चीज के पीछे लगा तो लगा ही है। बंगला में साहित्य है बोलकर बंगला सीखा, फिर उसके बाद संस्कृत आना जरूरी है बोल के संस्कृत सीखा, हरिकथाएं समझ में नहीं आ रहा बल्कि हिंदी सीखा, अंग्रेजी तो बोल ही लेता था, रशियन बोल ही लेता है। यहां पेट भरा नहीं, क्या किया, हमारा मध्व संप्रदाय के साथ जुड़ा हुआ है बोलकर मध्व साहित्य भी क्या है जानने के लिए कन्नड़ा सीखा, और सारे किताबें इकट्ठा कर लिया, और क्या हुआ शेष में, सब छोड़ के वापस जाके शादी कर लिया। नीलमाधव नाम हुआ था, बाद में सन्यास भी लिया था, और उसके बाद नाम हुआ था उनका भक्ति विजय नरसिंह महाराज, ऐसा गुरुजी के साथ काफी क्लोज था। ऐसा रशिया में इतने लोगों को भक्त बनाया, बहुत लोगों को भक्त बनाया, ऐसा नहीं कि भक्त नहीं बनाया, इतनी भाषा सीख के इतने ग्रंथ पढ़ के वहां जाके प्रचार करके बहुत लोगों को भक्त बनाया। लेकिन जो समझना चाहिए था उस सिद्धांत को ठीक से समझा ही नहीं। ये लोग सब तथाकथित दार्शनिक है, पढ़ पढ़ पोती पुस्तक पंडित तो भयानक होए वाली जो बात है वो ऐसे लोगों पे लागू होता है। श्रील भारती गोसाई महाराज जी बोलते थे, ग्रंथ तो पढ़ा हजम कर सका, इसीलिए हो गया पतित तो हो गया। कोई भी सिद्धांत पे टिकाई नहीं, एक गुरु निष्ठा बोल के कुछ होता है उस पे भी टिका नहीं। जहां आपको शास्त्र के सिद्धांत को लेकर जो संशय का अवस्था आता है, श्रेष्ठ व्यक्तित्वों के पास समाधान के लिए जाना होता है, स्वयं ही उनका निराकरण करने का प्रयास करने से अल्पबुद्धि जीव अपना पतन कर लेगा। श्रेष्ठ व्यक्तित्वों के पास जाकर उनसे शिक्षा लेना, उनसे प्रेरणा लेना, और दूसरा एक समय ऐसा आता है हर चीज को हार्मोनाइज करने का, वो क्या है,
जब मुझे किसी भी प्रयास से समझ में नहीं आ रहा है तो गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त शिक्षा को ही गुरुत्व देते हुए उसी को आगे रख के साधक को चलना होता है। अपनी बुद्धि लगाने से वो ऐसे ही तैयार होते हैं। उसके बाद इतने ग्रंथ पढ़ के, इतना शास्त्र संग्रहित करके, इतना कुछ करके भी शेष में क्या हुआ? पतन ही हुआ। ऐसा हमारा मंगल वास्तविकता में कौन करता है? अध्ययन तो केवल उस साधना का एक अंश मात्र है। हमारा समर्पण ही हमारा रक्षा करता। ऐसे अक्सर सुनते श्रील भक्ति हृदय वनदेव गोस्वामी महाराज अपने दिव्य हरिकथा के माध्यम से बोलने लगे, इतना साल हमने परिक्रमा किया, कुछ तो लाभ हुआ नहीं। श्रील गुरु महाराज जी उस सभा में थे। गुरु जी और उनका मित्र था रवि, क्या नाम है, वो भी थे। वो लोग तो सोचा, बाकी लोग तीन गुरु भाई थे, उनमें से गुरु जी के अलावा बाकियों ने सोचा इतने बड़े महात्मा ये कह रहे हैं, कोई फायदा नहीं है तो क्या करेगा। लेकिन गुरु जी तो ऐसा किया नहीं। शिला कृष्ण केशव ब्रह्मचारी प्रभु जी के पास जाकर इस विषय में उनसे चर्चा किया और उनसे शिक्षा प्राप्त किया, और उसके बाद गुरुजी मठ में रह के जैसे उन्होंने जीवन व्यतीत किया, जिसके परिणाम स्वरूप हम सब आज यहाँ पर बैठे हुए। अन्यत्र स्थानों में भी जहां पर उनका नाम स्मरण करते हुए बैठ के साधन करने वाले तमाम भक्त जितने भी, वो सब गुरुदेव का उस समय जो श्री केशव प्रभु के साथ वार्तालाप करके जो शिक्षा ग्रहण करके उसके ऊपर चलने के कारण ही। तो इसीलिए हमारे ग्रंथ अध्ययन, हमारी और सेवाएं, ये जो कुछ भी है, ये सब तभी ही सार्थक माना जाता है जब वो अनुगत के साथ में हो, शरणागति के साथ में हो। ऐसा। लेकिन ये जितने भी दार्शनिक हैं, ये जितने फिलोसोफर्स हैं, वो अपने अपने फिलॉसफी का डंडा झाड़ते रहते, इसके हार्मनी कहाँ है उस विषय में कभी वो लोग चिंतन नहीं करते। ऐसा। इस कारण से मुंडे मतिर्भिन्न, एक फिलोसोफर का विचार दूसरे के साथ मैच ही नहीं करता। युधिष्ठिर महाराज इसीलिए बोल रहे हैं, इसलिए तो हम 500 फिलोसफीज के चक्कर में पढ़ना नहीं। महाजनगतस्येन पंथा, जो मार्ग महाजनों ने आचरण करके हमारे लिए बिछा कर रखा है, उनके ही बिछाए हुए उसी मार्ग के ऊपर तुम आगे बढ़ते चले जाओ, अपना दिमाग चलाना ही नहीं। ऐसा। अब आप देखो, दुनिया के अंदर भी जो है बहुत सारी चीजें हैं, उसमें हम लोग अपना दिमाग इतना चलाते नहीं है। ऐसा है ना, वो एक ट्रायंगल होता है, एक साइड होता है, एक साइड होता है, इसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं इसे, एंगल नहीं, हाइपोटेन्यूज, जो भी है भैया, हाइपोटेन्यूज जो है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर है। पाइथागोरस का ये थ्योरम है, वो एक साइंटिस्ट हुआ है पाइथागोरस, उनका ये थ्योरम। कौन जाके उससे अभी तर्क करने बैठा है कि ये जो है ये और ये क्यों है, एक्सेप्ट करके चल रहे। जहां पे भी अप्लाई करना होता है, अब साइन थीटा कॉस थीटा है, वो साइन ही क्यों है,
साइन कॉस क्यों नहीं है, कॉस साइन क्यों नहीं है, ऐसे लॉजिक्स में कोई जाता नहीं। ये संसार का एक सब्जेक्ट है, थोड़ा कोशिश करने से अच्छे से सब समझ में आ जाता है। उस चीज के ऊपर भी हम लोग लॉजिक नहीं ढूंढते हैं, लेकिन ये फिलोसोफर जितने भी होते हैं आधे अधूरे, वो लोग क्या करते हैं, इन सब चीजों को लेकर के वो तर्क में बड़े रहते हैं बिना मतलब, और निष्कर्ष कुछ निकलता नहीं, नो कंक्लूजन। इसलिए युधिष्ठिर महाराज दार हैं, तुम ये सारे तर्कों को एक तरफ रखो और क्या करना है, महाजनगत सयेन पंथा, अपना दिमाग चलाना बंद करो। जैसे महाजन लोगों ने मार्ग को दिखलाया है, उसका अनुशीलन करते हुए आगे बढ़ता चले जाओ, बस और कुछ करने की जरूरत ऐसा। तो इसीलिए अन्यथा अगर ये नहीं करेंगे, अपनी आलोचनाओं को करके अपनी विचारों को लेके कुछ निष्कर्ष पे पहुंचने का प्रयास करते हैं, तो हमारे आचार्य कहते हैं कि कभी भी जीवन में कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाओगे। ऐसा इसीलिए उन्हें समझ पाना असंभव। ऐसा इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे बीच में कृपा करके जो अवतीर्ण हुए हैं, कौन, भगवान के प्रिय भक्त भगवत परिकर, वो बोलते हैं उनके द्वारा प्रदत्त उपदेशों को हमें सावधानी पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, ऐसे बता रहे हैं यहां पर। और उन्हीं के पदचिन्हों पर चलने से हम लोगों का वास्तविक प्रयोजन सिद्ध होगा, अन्यथा संभव नहीं है। नहीं तो अनंत लीलाधारी भगवान के हो कौन समझ सकता है। ऐसा एक वैष्णव को ही कोई नहीं समझ सकता, वैष्णव चीनिते नारे देवेर जगत, एक वैष्णव को पहचानना देवताओं का बस का काम नहीं है। जहां पर तो वैष्णवों के जो ईड्य है परम सेव्य, उस गोविंद को पहचानने का सामर्थ्य किसके अंदर हो सकता है, किसी में हो ही नहीं सकता। ऊपर से भगवान विचित्र लीलाओं को करते रहते, इसीलिए भगवत गीता के अंदर स्वयं भगवान बोल रहे, जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों ही कौन सा लौकिक है, बोलते नहीं, परलौकिक है, बोलते नहीं, दिव्य है, उसे भी ऊपर की बात है। मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों ही दिव्य है, इसीलिए वो बता रहे एवं यो वेत्ति तत्वत, केवल ये नहीं है कि ये दिव्य, मेरे दिव्य जन्म के विषय में, दिव्य जन्म के तत्व को जो व्यक्ति समझ सकता है, मेरे दिव्य कर्मों की गहराई को, उसके तत्व को जो समझ सकता है, तो क्या मिलेगा भैया, त्यक्त्व देहम पुनर्जन्म नाति मामेति सो अर्जुन, वो ये शरीर को छोड़ने के बाद दोबारा जन्म ही ग्रहण नहीं करेगा, उसको पुनर्जन्म बोल के होगा नहीं। जो व्यक्ति गोविंद के दिव्य जन्म लीला को श्रवण करेगा, उसको पुनर्जन्म नहीं होता है, यही विशेषता है। ये संसार के अंदर के जो व्यक्ति उसके जन्म और कर्म के बारे में श्रवण करने पर जीवन में विरक्ति आएगा, और उनके कर्मों का चिंतन करने पर अगर उसके सत्कर्म है तो ईर्ष्या होगा, अगर उसके दुष्कर्म है तो घृणा होगा, नहीं गलत काम करता रहता है बेकार है नफरत हो रहा है, और अच्छे काम कर रहा है चार आदमी उसकी तारीफ कर रहे तो ईर्ष्या होने लगता, बस
इसके अलावा और कुछ नहीं है। अच्छा करेगा तो ईर्ष्या होता है, बेकार करेगा तो घृणा होता है। लेकिन भगवान के विषय में ऐसा नहीं है। जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरा जन्म मेरा कर्म दोनों ही दिव्य है, प्राकृत नहीं अप्राकृत है। ऐसा कोई भी कर्म है मेरा वो सब दिव्य कर्म है, अलौकिक कर्म है। हमारे बुद्धि के द्वारा, हमारे चिंतन में, हमारे बुद्धि के अधीन होने वाले कर्म है ही नहीं, उसे परे वाले कर्म है। और इस तरह के तत्व को जो समझ लेगा उसको पुनर्जन्म नहीं होगा, वो शरीर त्याग करने के बाद दोबारा इस संसार में आएगा नहीं। ऐसा दिदृक्षवो यस्य पदम सुमंगलम विमुक्त संगः मुनयस्तु साधव चरन्त्यलोकाव्रतमाव्रणं वने भूतात्मभूतासुहृदस्समे गति। क्या बोल रहे हैं यहां पर, जो समस्त जीवों को समभाव में देखते हैं, किसी के प्रति पक्षपात का भाव नहीं है, सबके प्रति समान दृष्टि से देखते हैं और सभी के प्रति मित्रवत भाव रहते हैं। सुहृद सर्वदेही नाम, हर एक व्यक्ति उनका मित्र ही है, उनका दोस्त है, उनका बंधु है, सभी को समान देखते हैं, कोई पक्षपात नहीं। और क्या बोलते हैं, जो सात्विक भाव में स्थित होकर जो ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ संन्यास आदि आश्रमों को बिना त्रुटि के पालन कर रहे हैं, ऐसे जो विमुक्त मुनिगण जितने भी हैं उनके द्वारा भगवान के चरणों के दर्शन प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले वो सारे भक्तगण, उनका जो परम सेव्य है वो मुझ पर मेरा जीवन का सहारा बने, मेरा प्रयोजन वही स्थान हो, ऐसे बोल रहे। कहने का मतलब शुद्ध भक्तों का जो सेव्य है भगवान, वो मेरा जीवन का गंतव्य बने, मेरा डेस्टिनेशन जो है वो स्थान बने, ऐसे बोल रहे। ऐसा भगवान सभी जीवों को समान रूप से देखते हैं। समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेष्योस्ति नाप्रिय, मैं सबके लिए बराबर हूं, किसी के लिए मेरे अंदर द्वेष नहीं, किसी के प्रति मेरे अंदर अनावश्यक प्रीति भी नहीं। लेकिन जो जिस भाव से जिस क्रम में मेरे पास आता है मैं उसके ऊपर उसी विधि से अनुग्रहित करता हूं। ऐसा भगवान किसी से घृणा नहीं करते, ऐसा बोल के भगवान किसी से प्रेम भी नहीं करते। लेकिन अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान हमसे भी प्रेम करते हैं। ऐसा और क्या विशेषता है, हम अगर भगवान को घृणा करते हैं तो भी भगवान हमें प्रेम ही करते हैं, वो हमें घृणा नहीं करते। ऐसा क्योंकि उस समय उनका प्रेम का अभिव्यक्ति अलग प्रकार से होता है, लेकिन होता प्रेम ही है वो भी। ऐसा लेकिन यहां भगवान के बारे में नहीं बोल रहे, जो सबके लिए समान है, जिनके दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं है, इसके लिए ज्यादा उसके लिए कम ऐसे विचार नहीं होता वहां। किसके अंदर, और बोलते हैं ऐसे जो विमुक्त
किसी भी प्रकार के बंधन में बंधे हुए नहीं हैं, पूर्णतः मुक्त आत्माएं, ऐसे शुद्ध जो भक्तगण हैं उनकी बात हो रहा है। भक्त में पक्षपात नहीं होता ऐसा, भक्त का हृदय भगवान का वास होने के कारण, जैसे भगवान का हृदय जितना विशाल है, भक्त का हृदय भी ऐसा ही विशाल होता है ऐसा। उनके हृदय में सबके लिए प्रेम होता है, समान रूप से होता है, लेकिन जो उनके साथ में प्रेम को अभिव्यक्त करता है, उनके प्रति वो भी उस प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं, जो नहीं अभिव्यक्त करता तो नहीं करते। लेकिन ना करने मात्र से उनके प्रति प्रीति का भाव नहीं रहेगा, ये भक्त के लिए हो ही नहीं सकता है। ऐसा मैं 2-3 दिन पहले एक बच्चे को कह रहा था, बोले देखो गुरुदेव का जो प्रेम है वो कैसे होता है, वो अथा सागर की तरह, हर एक से उनका प्रेम रहता है, चाहे अमीर शिष्य है, गरीब शिष्य है, या बच्चा है, बुजुर्ग है, ये वो, ऐसा कोई भाव उनके अंदर नहीं होता, उनके लिए सब समान है। कोई ज्यादा सेवा करता है बोलकर उनको वो उनके प्रति एक अलग भाव दिखाना, ऐसा नहीं। सेवा का एक गुरुत्व अलग स्तर पे है, लेकिन सेवा करने वाला व्यक्ति के प्रति विशेष स्नेह दिखाकर जो अन्य जो लोग असमर्थ है, नहीं कर पाते, उनके प्रति कम स्नेह दिखाने का काम नहीं होता, और उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर हम मान लो कल्पना करें कि अमुक व्यक्ति ज्यादा सेवा करता है, फाइनेंशियली ज्यादा सेवा करता है, इसलिए गुरुजी उसको ज्यादा प्यार करते हैं, या अमुक व्यक्ति किसी और कारण से अधिक सेवा करता है, इसलिए वो गुरुजी का ज्यादा करीब है, मैं नहीं हूं, ऐसे सोचने से हमारा परमार्थ कहां चला जाएगा। ये चिंतन से ही हमारा परमार्थ तो रसातल में चला गया। वो प्रेम जो है एक अलग स्तर का होता है, इसीलिए जैसे सुनने में आता है, जैसे पुष्पक विमान है, जितना भी व्यक्ति बैठेगा एक के लिए उसमें जगह रहता ही है ना, चाहे करोड़ आदमी बैठा हो और एक के लिए जगह होता है उसमें, बड़ा विचित्र गाड़ी है वो। ऐसा ही जो साधुओं के बारे में यहां पर बता रहे हैं, गुरुजनों के बारे में यहां पर भागवत जी में बता रहे हैं, सबके लिए प्रेम होता है, सबके लिए, सब एक समान, सब अपना है, कोई पराय है ही नहीं है ऐसा। इसलिए यहां पर बता रहे जो सभी जीवों को समभाव से देखा जाता है। भाग्यशाली निश्चित रूप से उनमें से वो है जिनको मौका मिल गया है कुछ आगे बढ़ के करने का, लेकिन अगर जो आगे नहीं बढ़ पाए, जो नहीं कर पाए, उनके जीवन में भी कोई लॉस नहीं है, क्योंकि महापुरुषों के बीच में वो कोई मेजरिंग स्केल नहीं होता है ऐसा। तो इसलिए यहां पर बोल रहे हैं सभी के प्रति मित्रवत है, इसलिए बोला तितिक्षस्वकारुणिक सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रु ऐसा। सुहृद सर्वदेहिनाम प्राणी मात्र के ही मित्र है वो, ऐसा नहीं मनुष्य के मित्र, उनके शत्रु के लिए भी वो मित्र ही है। ऐसे बनना आसान नहीं है, बड़ा कठिन है। मित्रों के लिए हम मित्र बन सकते हैं एक बार तो, लेकिन जो शत्रु होता है उसका भी मित्र बनना वो कितना आसान नहीं है वो तो।
लेकिन महापुरुष ऐसे ही होते हैं ऐसा। अब नित्यानंद प्रभु को देख लो, जगाई मदाई ने उनका सर फोड़ दिया था, है ना, उसने सर फोड़ दिया, खून निकल के गिर रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु से सहन नहीं हुआ, उन्होंने सुदर्शन बुला लिया कि आओ भैया तुम आके इसका काम करो पहले। लेकिन नित्यानंद प्रभु स्वयं आके महाप्रभु के चरणों को पकड़ लिया और प्रार्थना कर रहे हैं कृपया अस्त्र धारण ना करें। और उनको क्या बोल रहे हैं, तुमने हमारा सिर फोड़ा इसीलिए हम तुमको प्रेम प्राप्त करने से वंचित करेगा, नहीं करेगा, तुमको भी प्रेम प्राप्त होगा, बोल के महाप्रभु से कृपा प्रार्थना करके वो दोनों को प्रेम प्रदान कराया। ऐसा सूर्य सर्वदेही नाम, पापी व्यक्ति क्यों ना हो, नीच व्यक्ति क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, लेकिन साधु के लिए ऐसी भाव रहता नहीं। कई बार हम सोचते हैं कि गुरु महाराज जी जो है बेकार से बेकार लोगों को क्यों एंटरटेन करते हैं? ऐसा सत्य तो यह है कि वो बेकार है इसीलिए एंटरटेन करते हैं। ऐसा अच्छा होने से तो क्या जरूरत है, बेकार है इसलिए उनको मालूम है ये बेकार है, इसको मेरा जरूरत ज्यादा है। ऐसा क्योंकि साधु हृदय है। हम क्या करते हैं, दोष होने पर दोष के कारण दोषी को भी हम लोग तिरस्कार कर देते हैं, हम उनको स्वीकार करने का दिल नहीं रख पाते। लेकिन महापुरुष अलग स्तर में होते, वो तब भी उनके मित्र बनकर उनका शोधन करने के लिए उन पर कृपा करते हुए उनको अपने पास ही रखते। ऐसा वो जो समझ जाता है उसका जीवन बन जाता है कि मैं इतना बेकार होने पे भी मुझे गुरुदेव क्यों प्यार करते हैं, ये एक प्रश्न अगर वो उनके मन में अगर आ जाए उनका तो जिंदगी बन जाएगा फिर तो। यही बात बता रहा, सबके प्रति मित्रवत भाव, सब मेरे मित्र हैं, सबका मैं मित्र हूं, ये भाव है। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं यहां पर, जो अपने आश्रम को विधिवत पालन करते हैं, अपने आश्रम को विधिवत पालन करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो अपने आश्रम मर्यादा को आश्रम धर्म को पालन नहीं करते, अपने आश्रम मर्यादा को यथोचित रूप से पालन करते हुए सभी के साथ मैत्री की भाव प्रदर्शित करते हुए रहने वाले ऐसे जो विमुक्त जो मुनिगण हैं उनके जो उन्हें परम कल्याण प्रदान करने वाला जो गोविंद है, बोलते हैं वो ही मेरे जीवन का एकमात्र गंतव्य हो, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा भक्त होगा तो ही भगवान का कृपा होगा, वो मुक्त है सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, लेश मात्र भी नहीं है, गंध मात्र भी नहीं है, जो शुद्ध सात्विक भाव में स्थित है, जो कि गुणातीत भूमिका में बैठे हुए, वो लोग किसी गुणों के द्वारा आबद्ध नहीं है। अगर वो सतुगुण में भी बद्ध होता तो भी भगवान का पूर्ण कृपा का उपलब्धि उनको नहीं हो सकता। जो व्यक्ति सतुगुण में बद्ध है, परिस्थिति के प्रभाव से रजोगुण में भी जा सकता है, तमोगुण में भी जा सकता है, सात्विक व्यक्ति के अंदर
राजसिक और तामसिक भावों का उदय नहीं होगा, ऐसे कोई सिद्धांत नहीं है। और जो तामसिक होगा उसके अंदर सात्विक भाव नहीं आ सकता, ऐसा भी कोई सिद्धांत नहीं है। अब इंद्र है, सत्वगुण के देव है, देवता है, लेकिन वही इंद्र के अंदर तामसिक बुद्धि आ गया, इसीलिए वो कयादु को हरण करके, स्त्री को हरण करके और शिशु हत्या करने के लिए उद्यमी हो चुका है। बोलता है मैं कयादु जैसे ही पुत्र को जन्म देगी मैं उसका वध कर दूंगा। अरे तुम तो इंद्र हो, सत्वगुण विशेष हो, लेकिन भाव अंदर तामसिक भाव निकल निकल के आ रहा है। कोई भी एक गुण में बद्ध व्यक्ति अन्य गुणों में अवश्य ही जा सकता है। यहां पर बोले इसलिए विमुक्त, वो पूर्णतः मुक्त है, वो किसी भी प्रकार की परिस्थिति अथवा प्रभाव के अधीन नहीं है। ऐसा इसीलिए वो चाहे जंगल में हो, चाहे शहर में हो, चाहे कहीं पे भी, वो केवल उनका एक ही काम है, गोविंद का चिंतन। इसीलिए श्रील भक्तिनो ठाकुर बोले गृहे वा वने ते था को हगौरांग बोले डाको, तुम घर में रहो, वन में रहो, जहां पे भी रहो, गौर सुंदर का नाम करते रहो बस। ऐसा भगवान का नाम करते रहना, वो लोग वही करते रहते, उनका वही काम है और कोई दूसरा कोई उनका है ही नहीं। तो ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे जो भी मुक्त हैं, किसी भी प्रकार के बंधन में बंधा हुआ नहीं है, वो लोगों के बारे में क्या बोल रहे हैं, भगवान के कल्याण प्रद चरण कमलों के दर्शन के इच्छुक होते हैं, ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं, उनके परम सेव्य गोविंद मेरा एकमात्र गंतव्य हो। ऐसा अब इसी के साथ मिलता मंत्र है जो हम लोग रोज संध्या करते टाइम पाठ करते, तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्य। यहां पर ये बोले भगवान के कल्याण प्रद चरण कमलों का दर्शन के लिए लोलुप है कि हमें भगवान का चरण दर्शन होता रहे, उनका सेवा सान्निध्य हमें प्राप्त होता रहे। ऐसा यही बात यहां पर बोल रहे हैं, वही मेरा गंतव्य हो, मुझे और कुछ चाहत नहीं है। इस श्लोक में भक्तों का, उच्च आध्यात्मिक चेतना वाले व्यक्तियों का गुणों का वर्णन किया। इस श्लोक में शुद्ध भक्तों की महिमा और जिसकी चेतना आध्यात्मिक रूप से बहुत उन्नति को प्राप्त किया है, उनके गुणों के बारे में वर्णन किया जा रहा है। ऐसा जिसकी चेतना संसार में फंसा है उसके विचार उच्च नहीं हो सकते, उसके गुण उच्च नहीं हो सकते। पहली बात तो जो व्यक्ति के अंदर भगवान के भक्ति ही नहीं, उसमें तो सद्गुण हो ही नहीं सकते। ऐसा दुनिया के नजर में चाहे कितना भी अच्छा आदमी क्यों ना हो, लेकिन भगवान के चरणों में अगर उसका अनुराग नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है, वो एक बेकार व्यक्ति है। ऐसा इसीलिए बोला भक्ति ही न बोली ना करो उपेक्षा, क्योंकि भक्ति नहीं है भगवान में, चाहे वो दुनिया के प्रति कितना भी अच्छा आदमी हो, उस परमार्थिक जगत के अंदर उसका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए यहां पर श्रील भक्तिविनोद ठाकुर प्रार्थना करते हुए कह रहे कि नाथ भक्तिहीन हूं बोलकर मेरी उपेक्षा मत कीजिएगा, क्योंकि आप ही मेरा सहारा है, आपके बिना मेरे लिए सहारा बोल के कुछ है ही नहीं है। आप मुझे उपेक्षा कर दोगे ये बोल करके मैं अधम हूं, मैं पतित हूं,
और मुझे घृणा करने लगोगे, कहां पे जाऊंगा मैं? ऐसे ये सारे कीर्तन ऐसे नहीं लिखा, आप ही यदि छोड़ दोगे फिर कहां जाऊंगा मैं कहां जाऊंगा, ऐसे शब्द नहीं है, शास्त्र की वाणी है। ऐसा ये संसार रूपी दुख से बाहर कैसे निकलूंगा, उबरूंगा कैसे मैं, क्योंकि अपनी साधना से तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता अपना मंगल के लिए, मेरी चेतना का विकास है ही नहीं है। ऐसा यहां पर एक उच्चतम भक्तों के लक्षण के बारे में बोल रहे हैं, मैं तो उच्चतम भक्त एक साधारण भक्त भी नहीं हूं, ऐसी अवस्था में मेरा मंगल किस प्रकार से होगा नाथ? तो भगवान तो चिंता नहीं करो, मेरे भक्त तेरे संग होंगे। तो जो भक्त सभी को समान दृष्टि रखते हैं और उसके बाद कोई निम्न जाति बोलकर कोई भेद अंतर नहीं रखते हैं, कोई भेद नहीं रखते हैं, उनके लिए जाति कोई भी हो सब चलेगा। ऐसा जाति ये सारे विचार जो है संसार में होते हैं, भक्ति मार्ग में नहीं होते। खुद भगवान भी बोलते हैं नामे भक्तस चतुर्वेदी, अगर तुम चारों वेदों का ज्ञाता भी हो गया, अगर तुम मेरे भक्त नहीं हो तो तुम मुझे प्रिय नहीं हो, खत्म। मद भक्त स्वपच प्रिय, अगर मेरा भक्त है चंडाल कुल में भी क्यों ना उत्पन्न हुआ हो, कुत्ते को पका के खाने वाले घर में क्यों ना वो पैदा हुआ हो, तब भी प्रिय। मदभक्त स्वपच प्रिय, ऐसा ये भेदभाव, ये जो है ऊंच नीच का भाव, ये सारे विचार केवल यहां पे है, उस जगत में भगवान के पास नहीं है। ऐसा किसी ने एक कवाली जैसा भजन लिखा, कवाली जैसा है, हम गाते नहीं, बहुत कम ही गाता है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है वो क्या बोलते हैं, लाख महफिल जहां में है यूं तो, तेरी महफिल सी महफिल नहीं है। वैसे तो लाखों महफिल है इस जहां में, इस ब्रह्मांड में बहुत सारे महफिल है, अलग अलग स्थान में, धरती पे अलग है, देवलोक में अलग है, ब्रह्मलोक में अलग है, कहीं अलग है, बहुत सारे महफिल है, लेकिन भगवान को बोले आपके महफिल जैसा महफिल नहीं है। क्यों? वो बोलते हैं स्वर्ग का राजा हो चाहे एक चाकर, एक साधारण सा नौकर, बोलते आपके जो दर पे दर्जा बराबर, वहां पर सब बराबर है, वहां कोई कंसिडरेशन नहीं है कि आप स्वर्ग से आए हैं, आप या तो किसी का नौकर हो के आए हैं, आप चंडाल कुल से आए हैं, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। ऐसा ये विशेषता है, उस जगत में जैसे भेदभाव नहीं है, उस जगत से आए हुए जो महापुरुष है उन लोगों के जीवन में भी ऐसी भेदभाव देखने को नहीं मिलता है। ये जो अलग अलग भेद करके देखने की वृत्ति केवल इस जगत के व्यक्ति में हो सकता है, उस जगत से जो आए हैं उनमें नहीं होता, उनके लिए उस जगत की तरह वहां सब बराबर है, इधर भी सब बराबर है। ऐसा जब गुरु महाराज जी मुंबई आए थे 2001 में आए थे शायद, पहले भी आते ही, लेकिन साई पैलेस उद्घाटन कब हुआ था? एक में हुआ था। साई पैलेस तो फिर
गुरु जी जो जमीन में सोते थे गद्दा डाल के, उस समय तो गुरु जी जमीन में सोते, 2002 के बाद से उनको बेड पे सोना पड़ा था वो हार्ट के प्रॉब्लम के चलते। गुरु जी का बिस्तर बिछा हुआ है, हमारा एक गुरु भाई आया सीधा जाके बिस्तर में जाके बैठ गया और चौंकड़ी मार के, गृहस्थ है, गृहस्थ भी नहीं कह सकते उसको, शादी नहीं किया है, लड़का ही है जो भी है, सीधा आया प्रणाम किया गुरु जी के बिस्तर में जाके बैठ गया। और मैं गुरु जी के साथ नया नया कमरे में बैठा, मेरे हिम्मत ना हो उसको बोलने के लिए कि उत्तर भाई, ऐसा हिम्मत नहीं हो रहा। और वो आराम से गुरु जी के साथ बैठ के ही करके बात करे जा रहा है। बात यह है पूरा टाइम गुरु जी ने जो भी उसने बात करना था गुरु जी ने किया, वो उसके बाद गुरु जी को प्रणाम किया आराम से चला गया। गुरु जी के चेहरे पे किसी भी चीज पे रत्ती भर का एक्सप्रेशन भी मैंने फर्क नहीं देखा। ऐसा हम लोग बोलते हैं, कोई अगर हमारे बिस्तर की तरफ पांव रखते हैं, ए बच्चे ये ठीक नहीं, पांव पीछे करो, ऐसे मत करो, ऐसे बोलते हैं, वो सीधा जाके गुरु जी के बिस्तर पे बैठ गया, आराम से बैठा है, बैठ के ऐसे बात कर रहा। ऐसे कहने का मतलब उनको कोई ऐसी विचार है होता ही नहीं है, सही है गलत है क्या कर रहा है नहीं कर रहा, वो एक ही चीज देखते हैं, ये एक भटका हुआ आत्मा है, बहुत भाग्य से आज इसको यहां आने का मौका मिला है, इसको दूर नहीं जाने देना है, भटक जाएगा बेचारा। इसीलिए वो कृपा करते हैं क्योंकि वहां से आए हुए होते हैं, उनका व्यक्तित्व अलग ही स्तर का होता है। हॉस्पिटल का लॉजिक तो साधकों के लिए ना, मुक्त पुरुषों के लिए नहीं है। मतलब वो डॉक्टर है, उनके पास कोई भी जाए, वो रोगी ऐसा, वो तो सिर्फ भागरोग से पीड़ित जितने भी व्यक्ति हैं, उन लोगों को उठाने वाले होते हैं। कोई कम पीड़ित है, कोई ज्यादा पीड़ित है, जैसा भी है उनको कोई लेना देना नहीं, बोले चल आ जाता हूँ। ऐसा ऐसे जो भक्त हैं, ऐसे जो महापुरुष हैं, उनके परम सेव्य जो गोविंद है वही मेरा सहारा हो, ऐसे गजेंद्र प्रार्थना कर रहे हैं। इस विषय में हम लोग आगे चर्चा कल करें। सप्तम याम कीर्तन प्रदोष लीला भजन प्रेम विपरलंब। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहेण मे उद्वेगे दिवस न जाय क्षण हैलो युगसं वर्षार मेघ प्राय अश्रु वरिषे नयन गोविंद विरहे शून्य हैलो त्रिभुवन तुषान ले पोड़े जेना ना जाए जीवन। गाइते गाइते नाम की दशा हैलो
जानीलाम माया पाशे ये जड़ जगते जानीलाम विरह
कहिते ना पारी धन अस्थिरा इद मन ज्ञान हरा हिल तख कत क्षण नाही जानी ज्ञान लाभ हिलो Oh,
सलिगणां तमसितसिता निशा योग्य वेशां प्रदोषे दूत्या वृंदोपदेशाभिश्रित यमुना तीरकल्पाग कुंजम कृष्णं गोपै सभायां विहित गुणकललोकनं स्निग्धमात्रात् यत्नादानीय संशयितमित निवृतं प्राप्त कुंजं स्मरामि। राधा वृंद उपादेशे यमुनापकुलादेशे प्राप्त कुंज करिए स्मरण प्राप्त
कुंज करिए अष्टमयाम कीर्तन रात्रि लीला भजन प्रेम भजन आश्लिष्य वाम पादरताम पिनिष्ठ माम दर्शनान मर्महताम करौत वा यथा तथा वा विदता तुलं पट मत प्राणनाथस्तु स एव नापर अमि कृष्ण पद दासी तेह रास सुख दासी आलिंगिया करे आत्मसाथ आलिंगिया करे आत्मसाथ किवन दे दर्शन ना जाने मोर तन मान किवन दे दर्शन ना जाने मोर तन मान गोविंद लीलामृत तावक्तो लब्ध संगो बहु परिचरणैर्वृन्दयाराध्यमान प्रेष्टालि विरल संतो विपिन विहारणैर्गान रसादिलास्य नाना लीलनितांतो प्रणयी सहचरि वृंद संसेव्यमान राधा कृष्णो निशायां सुकुसुम शयने प्राप्त निद्रो स्मरामि। Thank you.
परम गुरु जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय कब आए अभी आए।